किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमरनाथ शर्मा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में कीट वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज सोयाबीन के पौध संरक्षण के एक विशेष विषय के रूप में हम बात करेंगे, जिसे हम जैविक नियंत्रण कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जैविक नियंत्रण वैसे तो अपने आप में बहुत ही एक बड़ा विषय है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं आज एक विशेष प्रकार के जैविक नियंत्रण की बात करूँगा जिसमें कि सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशकों का उपयोग होता है। भाई आपने देखा होगा कि कई बार सोयाबीन की जो सिमिल ऊपर है, अर्धकुंडलक इल्ली है, वो पत्ते की निचली सतह पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है और मर जाती है। ये एक फफूंद द्वारा मारी जाती है जिसको कि हम ब्यूरिया बेसियाना बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ इल्ली, विशेष रूप से चने की इल्ली, ये भी वायरस के द्वारा मारी जाती है। एक और बहुत ही अच्छा इसमें जैविक कीटनाशक होता है जिसका कि आधार होता है बैक्टीरिया, बेसिलस थुरिंजिनेंसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। तो ये तीन प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, फंगस है, फफूंद है, एक बैक्टीरिया है और वायरस है, ये तीनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस प्रकार की इल्लियों को मार सकते हैं, जिसमें कि हरी अर्धकुंडलक इल्ली आ जाती है, सेमिल ऊपर आ जाता है, तंबाकू की इल्ली आती है, चने की इल्ली भी आ जाती है। तो इनका अगर प्रयोग करें, और इनकी विशेष मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनको सिर्फ 1 किलो या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है बैक्टीरिया और फफूंद को। जो न्यूक्लियर पोलियोहाइड्रोसिस वायरस है, NPV है, उसका डोज होता है 250 LE प्रति हेक्टेयर। इनका अगर आप इल्लियों की छोटी अवस्था में इसका प्रयोग कर देंगे तो लगभग 80 से 90% तक इल्लियाँ मर जाती हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करने से इल्लियाँ तुरंत नहीं मरती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि रासायनिक कीटनाशकों में होता है इल्लियाँ तुरंत मरने लगती हैं, लेकिन इसमें इल्लियों की मरने की प्रक्रिया करीब 24 से 48 घंटे बाद होती है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपने दवाई डाल दी है और वो कीड़े पर पड़ गई है, या जो दवाई डाली हुई फसल की पत्तियाँ अगर कीड़ा खा रहा है, इल्ली खा रही है और उसके पेट में चली गई है दवाई, तो वो इल्लियाँ खाना खाना रोक देती हैं, पत्तियाँ काटना रोक देती हैं, नुकसान करना रोक देती हैं, और वो 1 से 2 दिन में फिर उनमें मृत्यु शुरू हो जाती है। तो इल्लियों को जिंदा देखते हुए आप चिंता मत करें, वो 1-2 दिन में मरेंगी जरूर।